सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले रूल्स लर्न करेंगे। रूल्स लर्न करने के बाद जो है एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं किसी डिजिट को। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास कोई डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल है 6.32, इसमें हमें 2 को ड्रॉप करना है। 2 को ड्रॉप करना है तो 2 लेस देन 5 है। इसने कहा है कि अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम एज इट इज रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6.3। क्लियर है? 4.54, इसमें देखो, इसमें भी जो डिजिट है ये 4 जो है लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो सेम रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 4.5। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो इसको देखो, अगर हमारे पास ऐसा डिजिट है 6.36, 6 को ड्रॉप करना है। 6 जो है 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, जो इसका ये प्रीसीडिंग डिजिट है इसको हम 1 बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 6.4। 4.57 ये क्या हो जाएगा, 4.6। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो नेक्स्ट है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अनदर नॉन जीरो डिजिट देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये कैसे होगा, देखो अगर हमारे पास ऐसा नंबर है 3.853, ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और हमें 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है, तो इसमें क्या देखना है कि जो 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, तो इस प्रीसीडिंग डिजिट को हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 3.9। ठीक है, 5.651, इसका क्या होगा, देखो इस सेम ही इस पे अप्लाई होगा, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो ये नियर अबाउट हो जाएगा 5.7। ठीक है, अब अगर 5 के बाद नॉन जीरो का तो हमने देख लिया, अगर यहाँ पे जीरो होता तो क्या करते, तो देखो क्या करेंगे उसके लिए, ये रूल है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। यानी अगर ये डिजिट यहाँ पे, अगर ये इवन है और यहाँ पे जीरो है तो इसको एज इट इज रखेंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे, और अगर यहाँ पे ऑड डिजिट है और 5 के बाद जीरो है तो क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे। देखो एग्जांपल देख लो इसका, ये हो जाएगा सपोज 3.750, ये है हमारा नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 5 के बाद जीरो है और 5 से पहले ऑड नंबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम 1 से रेज कर देंगे, ये हो जाएगा 3.8। और अगर अब इवन नंबर का केस देख लेते हैं, 3.650 अगर ऐसा हो, अब देखो 5 से पहले इवन है और 5 के बाद जीरो है तो ये हो जाएगा 3.6, एज इट इज लिख देंगे इसको, ठीक है। अगर ये रूल्स क्लियर है तो देखो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उनको सोल्व करके देखते हैं, यही रूल्स उनमें अप्लाई करते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, राउंड ऑफ फॉलोइंग डिजिट्स, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास नंबर है 12.36, बताओ क्या आएगा राउंड ऑफ करके। इसमें देखो ये जो हमें डिजिट ड्रॉप करना है 6, ये 5 से ग्रेटर है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है तो क्या करते हैं, इसको हम प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 12.4। क्लियर? सेकंड हमारे पास नंबर है 70.83, अब देखो ये डिजिट जो ड्रॉप करना है ये 5 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा 70.8, एज इट इज रहेगा ये प्रीसीडिंग डिजिट। क्लियर? थर्ड
थर्ड है 50.853। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, देखो वही ये वही रूल जो अभी अभी किया था हमने, फाइव के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 50.9। नेक्स्ट 50.550, इसमें बताओ क्या होगा, फाइव के बाद जीरो है, फाइव से पहले क्या है ओड नंबर है, तो इसको क्या करेंगे वन से रेज, 50.6। क्लियर। फिर है फिफ्थ 39.650, ये क्या हो जाएगा 39. बताओ क्या होगा, सिक्स, सिक्स ही रहेगा ना क्योंकि ये इवन है। ठीक है, तो रूल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, इतने मुश्किल रूल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये रूल्स आ गए हैं समझ में तो अच्छे से कॉपी पेन को नोट कर लेना, और इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है जितने कोशिश कर सको प्रैक्टिस करना कॉपी पेन को। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।